मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। तुम नहीं होती तो इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता मुझे। ये तेरा घर है ना, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? हेलो दोस्तों, स्वागत है। अगर आपको साउथ इंडियन मूवीज पसंद है वो भी सस्पेंस से भरी और अंत तक उलझा कर रख देने वाली, इसमें कहीं मर्डर हुआ हो और किलर की तलाश में दिमाग के परखच्चे उड़ जाए, तो आप सही जगह पर है। मैं आपको ऐसी टॉप 5 क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए, नंबर 5 पर है अभी अभी रिलीज होकर आई 2024 की ब्लॉकबस्टर मूवी हाय पापा। हाय पापा फिल्म एक रोमांटिक फिल्मी ड्रामा है जो हिंदी में भी रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सुपरस्टार नानी और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो एक कहानी है विराज नाम के एक लड़के की, जिसकी एक 7 साल की बेटी है जिसे एक ऐसी भयानक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन उसके पापा उसकी हिम्मत है जो उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। अपनी बेटी के इलाज के लिए विराज जमीन आसमान एक कर देता है और घर से लेकर बाहर की दुनिया के सभी काम करता है। ये शख्स दुनिया का बेस्ट पापा है, लेकिन उनकी पार्टनर कौन है ये किसी को नहीं पता। अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रहा होता है, उसे जिंदा रखकर उन डॉक्टरों को करारा जवाब देता है जो कहते थे कि ये बच नहीं पाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये बच्ची अपनी माँ को लेकर सवाल करती है और जवाब न मिलने पर घर से अकेली निकल पड़ती है। आगे की कहानी आप फिल्म देख के पता कर सकते हैं। फिल्म काफी दमदार है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 4 पर है अभी अभी रिलीज होकर आई 2024 की सस्पेंस थ्रिलर मूवी मिशन चैप्टर 1। फिल्म में अरुण विजय वेमी जैक्सन मेन रोल में नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो भारत से दूर एक जेल में बंद कैदी के इर्द गिर्द घूमती है। कैदी अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए सभी मुश्किलों को पार करता है। इसी दौरान फिल्म का विलेन इसकी बेटी को चारा बनाकर अरुण को एक मिशन पूरा करने की धमकी देता है। अरुण कैसे इन मुश्किलों का सामना करके अपनी बेटी से मिलता है, इसी पर फिल्म की कहानी आधारित है। फिल्म में एक्शन और इमोशन दोनों ही दमदार देखने को मिलने वाला है और ये फिल्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। नंबर 3 पर है क्राइम थ्रिलर मूवी के 13। फिल्म की कहानी एक फिल्म डायरेक्टर अरुण निधि पर केंद्रित है, जिसने अपने निर्देशन के सपने को पूरा करने की कोशिश में करीब एक दशक बिताया है। उसका जीवन तब उलट पुलट हो जाता है जब वो उठता है और खुद को उस लड़की श्रद्धा के घर में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है जिससे वो पिछली रात एक पब में मिला था। जैसे वो देखता है कि श्रद्धा एक कुर्सी पर पड़ी हुई है और उसका गला काटा हुआ है और खून बह रहा है। जिसे जैसे ही अरुण निधि पता लगाने की कोशिश करता है कि वो घर में कैसे पहुंचा और श्रद्धा की मौत कैसे हुई, रहस्य सुलझाना शुरू कर देता है। क्या अरुण निधि श्रद्धा की मौत का रहस्य सुलझा पाएगा? अगर आप क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं तो फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 2 पर है अभी अभी रिलीज होकर आई 2024 की हिंदी डबेड मूवी अतिथि देवो भव। फिल्म की कहानी में अभी यानी इस फिल्म का हीरो मोनोफोबिया नामक समस्या से पीड़ित है। इस वजह से वो अकेले नहीं रह पाता और हमेशा उम्मीद करता है कि कोई उसके साथ रहे। इस बीच अभी को वैष्णवी से प्यार हो जाता है। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अभी को फोबिया उसकी प्यार में परेशानी पैदा करता है। ऐसी नाजुक मुद्दों वाला व्यक्ति अपनी प्यार की कहानी को कैसे संभालता है, ये बाकी की कहानी फिल्म देखने से ही पता चल पाएगी। नंबर 1 पर है अभी अभी रिलीज होकर आई 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी कैप्टन मिलर। कैप्टन मिलर की कहानी 1930 के भारत पर आधारित है। कैप्टन मिलर ऐसी व्यक्ति के बारे में है जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में धनुष एक ईमानदार क्रांतिकारी के भूमिका में है जो फिल्म में पुलिस पर हुई बर्बरता को दिखाया गया है। फिल्म में एक्शन का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा। इस फिल्म को फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं।